हेलो हेलो हाँ जी हाउ आर यू बढ़िया बढ़िया हाँ जी तो आ, मैं लेट तो ये मेरे को अभी बेड से ही आ रही हूँ मैं आ, कोई बात नहीं साथ तो, ज्वाइन कर पाऊंगी पर हो गया हाँ जी हो गया हाँ तो निको मेरे पेट का नाम है आपको पता होगा आप मैंने काफी मैसेजेस करे हैं आपको हाँ जी हाँ जी वो इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव है लाइक मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे कि हाँ कैसे काम करे कैसे वो कर, पूरी लिस्ट बना रखी अपनी कुछ मिस आउट <laughs> अच्छी बात है तो फिर आ, मैं घर से स्टार्ट करती हूँ इसका हाँ जी बिल्कुल जैसे कई बार वो रैंडमली एकदम से एक्साइटेड हो जाता है कभी रैंडमली कभी भी

घर पे क्या होता है कि कभी भी रेंडम लिये कभी भी एकदम से बेड पे चढ़ जाता है और पिल्लो उठा के इतनी इतनी ज्यादा शरारते भोंकने लग जाएगा या चीजें लिफाफे जैसे मैं कई बार न्यूज पेपर देती हूँ मतलब फाड़ के फेंकता रहता है तो तो इसको दे देती हूँ तो अब क्या करता है लिफाफे लेता है लिफाफे के साथ भी ऐसे करता है कोई भी चीज को दिखती है मुंह में डाल लेता है फिर इसके पीछे भागो इसके मुंह में निकाल दो सही समझ गया तब रैंडमली इतनी ज्यादा चीजें करता है वो और अब सुबह जैसे मैं एथलीट हूँ तो मेरे को सुबह सुबह रनिंग पे जाना होता है और टाइम लग जाता है मेरे को जैसे टेन किलोमीटर्स वगैरह हम कर लेती हूँ मैं तो मैं इसको सुबह सुबह मम्मा बस हो रहे होते हैं एक बार जाने से पहले मैं इसको फ्रेश करवा लेती हूँ ओके तंग तो ना करे तो मैं अब सो रहे होता है तो फिर यही है इसका कि बेड पे ना चढ़े तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और कुंडी लगाती हूँ क्योंकि दरवाजे खोलने आते हैं ओके ओके मार मार के हाथ मार के खोल लेता है बहुत बहुत है। <laughs> <समझदारे बो था। laughs> बहुत बहुत समझदार है ज्यादा तो और फिर इसको पता कुंडी लगी हुई है ये इतना भोंकेगा मतलब पंचम मारेगा अपने की खोलो 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 सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह ओके कितने मतलब अराउंड फाइव थर्टी या फाइव ओ और आप जगते कितनी बजे हो मैं फोर थर्टी फोर ओ ऐसे ओके जग जाते हो तो लाइक आप अपनी ट्रेनिंग करते हो हाँ जी और उस उस ट्रेनिंग में लाइक कहीं ट्रैक पे जाते हो या फिर आप ऐसे सड़क पे कहीं पर वो रन करते हो मैं ग्राउंड भी है लॉन्ग डिस्टेंस होता तो सड़क पे ही करनी पड़ती है ओके अक, और साथ में ये अपना निको जाता है क्या आपके साथ

है ना लाइक चीजों को फाड़ना चीजों को उठाना चीजों पे हम्प करना टोटल जंप करना लगातार बार सो तो कर, कर ना सो हर, हर okay? so, so उसको हमेशा प्ले लगता होगा हमेशा खेलने के लिए रेडी है ना चलो भाई खेलो भाई खेलो भाई खेलो भाई है इस तरीके से इस तरीके से रहता है सो so, हमने ऐसे केसेस हैंडल करे और पता नहीं क्या कोइंसिडेंसी बात है वो सारे के सारे ह्यूमन एथलीट है सो <laughs> so, एथलीट का मेरा मतलब है ये मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ है ना कुछ हाल फिलहाल हाल फिलहाल दिनों में तो वो बोलते हैं कि कि सेम आपकी जैसा है है एंड देन वो बोलते हैं हैं हम सुबह रनिंग पे जाते है। है ना हम दस किलोमीटर रन करते हैं और ये सब किलोमीटर रन करते हैं लेकिन ये इतना नहीं भाग पाता तो इसलिए हम इसको साथ में नहीं लेकर जा सकते लेकिन असलियत में होता क्या है हम डॉग को सिखाते हैं कि तू दस किलोमीटर तक कैसे भाग सके ह्यूमन के साथ में ओके okay, तो जब वो उस चीज में रन करना स्टार्ट कर देता है तब वो डेली बेसिस पे शांति से रहता है अच्छा ओके okay ना तो हाल फिलहाल एक पिटबुल का केस आया हमारे पास एक्सैक्टली सेम एंड उसमें वो भागता नहीं था है ना तो ह्यूमन ने धीरे धीरे करके उसकी हैबिट डाली उस डॉग की वो भागता नहीं था आराम से बैठ जाता था लेकिन घर पे जाके बहुत हंगामे करता था है ना घर पे जाके हमेशा प्लेफुल रहता था है ना हमें शुरुआत में थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि डॉग हमारे साथ भागना स्टार्ट कर दे है ना एक बार वो आपके साथ भागना स्टार्ट करेगा ना वो डेली बेसिस पे थोड़ा शांत होना स्टार्ट होगा ओके okay. उसको भी इतना भागने को मिल नहीं रहा है जितना उसको चाहिए है ना उसका मूड उसका वो बंद कर देता है आप लेकर जाते हो लेकिन वो थोड़ा थक जाता हो हमें उस समय थोड़ा ब्रेक लेकर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा इसकी वैसे मैं फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी का तो पूरा ध्यान रखती हूँ लाइक सुबह मैं इसको दो बार लेके जाती हूँ जब रनिंग होती है क्योंकि एक बार रनिंग से पहले वैसे ही दो चार मिनट ले गई उसके बाद मैं इसको मिनिमम हाफ एन आवर सुबह ज्यादा नहीं सुबह हाफ एन आर लेके जाती हूँ फिर दोपहर मैं इसको पार्क में ले जाती हूँ पार्क में फैच वगैरह खेलते चाहे बॉल तो नहीं देता मुझे पर हम इसको काफी लंबी लीश पे इसको बॉल के साथ इतना ज्यादा भगाती हूँ कि थक जाते हैं एक बार फिर आती है शाम को शाम को मैं फोर्टी फाइव मिनट प्लस उसको वॉकिंग कराती और उसके घर पे अलग खेलता है उसका उसके बाद भी एक्साइटेड अलग रहता ही है या। उसको रनिंग लगेगी हम्म okay ना वो भी स्ट्रक्चर्ड रनिंग स्ट्रक्चर जो आप आप दोपहर में कर रहे हो ना उसको प्ले बोलते हैं उसको एक्सरसाइज उसको एक्सरसाइज नहीं बोलते दोनों में अंतर है ओके okay? एक्सरसाइज और प्ले में अंतर है एक्सरसाइज में डिसिप्लिन आता है स्ट्रक्चर आता है है ना जैसे प्ले में वो चीज, वो चीज चीज जो हम डॉग को प्ले करते हैं उसमें कोई नहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्ले कर रहे हो तो वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज है एक डिसिप्लिन है है ना लेकिन डॉग ना लेकिन डॉग के साथ हम वो चीज प्रैक्टिस नहीं करते डॉग को डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर लगता है ये शांत करने के लिए सेम आपके साथ है अगर आप भागोगे नहीं आप एंशियस हो जाओगे हम्म गेटिंग माई पॉइंट ना ये ह्यूमन 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 के साथ भी ऐसा होता है अगर आपने अपने आप को समझ लिया है ना और आपने अपने आप को समझ लिया और आपने समझ लिया मैं भागती नहीं हूँ तो ये मेरा काम करना पगला जाता है ना बहुत एनशियस बहुत एनशियस हो जाता है भागना मेरी वो है शांति के लिए सेम आपको एक ऐसा डॉग मिला है ओके जो जिसको भागना चाहिए पड़ेगा अदरवाइज ये शांत नहीं होगा है ना और भागना आपका स्ट्रक्चर वाला ऐसे तो आप शॉपिंग पे जा सकते हो है ना अगर थकने की बात है आप जाओ शॉपिंग पे चले जाओ लेकिन आपका माइंड थोड़ी शांत होगा उससे और खराब हो जाएगा शॉपिंग पे जाओगे तो आप है ना so, डॉग के साथ ऐसा ही होता है डॉग को प्ले पर लेकर जा रहे हैं ना वो उसके लिए शॉपिंग टाइप है ओके okay? उसको उसको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लगेगा तो सुबह आपके साथ भागना जितनी बार भी आप भाग सको उसके साथ वो जरूर वो जरूरी है क्योंकि वो जरूरी है उसके तब जाके वो शांत होना स्टार्ट होगा अदरवाइज नहीं होगा तो पर जैसे फिर धीरे धीरे इससे जंपिंग इसकी कम हो सकती है हाँ सारा कुछ सारा कुछ रिलेटेड इसी से कि उसका माइंड शांत नहीं हो रहा अच्छा ओके okay, अगर आप देखो अगर आप एंशियस हो और आपके सिम्टम्स आ रहे हैं आप सिम्टम्स हाँ। पे वर्क नहीं करोगे ना आप भागने आ, सोचोगे सबसे पहले है ना आप नहीं सोचोगे कि यार मैं मेडिटेट कर लू आप ये नहीं सोचोगे नहीं यार मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए शॉपिंग चले जाओ यार मैं किसी को फोन पे बात कर लू आप ये सब नहीं सोचोगे आपको पता है भागना ही आपका शांति है है ना सो so, वो डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही चीज है उसको भागना पड़ेगा तब जाके जो सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ना ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे सेवन से फोर्टीन डेज लगते हैं वेन यू स्टार्ट दिस प्रोसेस अच्छा ओके okay, जब आप भाग हाँ जब आप डॉग को आपके डॉग को भागना है है ना वो चार किलोमीटर भागेगा लेकिन उसको वो थक जाएगा वो ब्रेक चाहेगा वहां पर आपका पेशेंस आता है क्योंकि आप तो दस किलोमीटर भाग सकती हो लेकिन एक बच एक साथ आप नहीं रुकोगे है ना आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है ना लेकिन अगर एक बच एक, बच, एक बच्चा एक बच्चे को आप बच्चे को आपके साथ भागना है और वो कह रहा है मैं तो भागूंगा लेकिन वो चार किलोमीटर ही भाग रहा है और आप उसके साथ भागने से मना कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ना ही लाइक्स यू अलॉट है ना तो एंड ही वांट्स टू बी विथ यू एवरी टाइम है ना और साथ में साथ भगवान ने भी उसको सेम वो दिया है ऑब्सेशन दिया है जो आपके पास है हाँ सो दिस इज गुड थिंग ना गुड थिंग सो स्टार्ट रनिंग विथ हिम ओके स्टार्ट रनिंग विथ हिम थोड़ा पेशेंस के साथ टाइम देकर उसको चार किलोमीटर छह किलोमीटर किलोमीटर वो दस किलो आपके साथ भी भाग लेगा ओके फिर बढ़िया न्यूज़पेपर में फोटो <laughs> 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 है। अच्छा और जैसे कई बार हम खाना खा रहे होते हैं वैसे तो ये नहीं मारता हूँ बिल्कुल इसको बांधना चाहिए साइड में से हम बांध नहीं उस समय इग्नोर करना चाहिए है ना आपका डॉग समझदार है बहुत ओके okay ना वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है है ना और आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट भी कर रहा है जब वो रिस्पेक्ट जितना पॉसिबल हो पाता है उससे जितना उसकी ऊर्जा उसको अलाउ कर पा रही है अगर उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होगी तो वो मुंह नहीं रखेगा फिर वो एनशियस हो जाएगा अगर उसके अंदर बहुत एनर्जी होगी लेकिन वो अपनी उस एनर्जी को लाइक इतना कंट्रोल कर पा रहा है कि खाने के टाइम पर वो आपकी बाउंड्री में नहीं घुस रहा है लेकिन उसको बाकी टाइम उसको कंट्रोल नहीं है, है। हम्म एकदम से, एक से बाहर चले जाते हैं और जूमिंग घूमने गूल, गूल, लग जाता है <laughs> अपने को दीवार पे मारेगा फिर घूमेगा अपने आप को खुद दीवार पे मारेगा फिर घूमेगा वो हाइपर है हाई, हाई है वो, हाई या इसको हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं माइंड में अभी भी एनर्जी है जो रिलीज नहीं हुई ही ही। इसको okay. तो बहुत ज्यादा करता है तो फिर लोग खिलाते नहीं, नहीं है वो भले ही फीमेल हो या फिर मेल हो वो सब पर ही हम्प करेगा उसको कोई लेना हाँ, उसको कोई लेना हम्पिंग मेटिंग के लिए नहीं होती सिर्फ डॉग्स में डॉग्स में जब एनर्जी होती है ना वो जरा सी स्मेल से अराउज हो जाते हैं उनको नहीं पता सामने फीमेल है कि मेल है जैसे उनमें ट्रिगर हो जाता है ओके उनमें ट्रिगर है वो मेटिंग के लिए नहीं है एक सेपरेट एक सेप, ये अराउजल बिहेवियर है अराउजल बिना उसके लिए भी हो सकता है बिना मेटिंग की वजह से भी हो सकता है ओके सो अराउज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी ठीक है या फिर अब कोई गेस्ट आया हाँ ये मतलब कई तो होते हैं कि इसको बहुत ज्यादा डरते हैं और इसको गेस्ट को एक बार देखना होता है तो इसको एक बार बांध देते हैं ये बात करता है थोड़ा मैं दरवाजे इसको बोलती नहीं मैं दरवाजे पे मारती हूँ थोड़ा और इसको पता लगे कि नहीं नहीं भोंकना फिर इसको मेरे को पेट नहीं कर रहा कोई इसको पेट लेना है नहीं ऐसा नहीं वो सब अपनी कहानी है डॉग के साथ ऐसा नहीं चल रहा एक कोई इंसान अंदर आया और उसमें क्या है जो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे थोड़े एक्साइटेड हो गए थोड़े तेज तेज मूव करने लग गए दरवाजे की तरफ तेज तेज भागे तो डॉग के अंदर और एक्साइटमेंट क्रिएट हो गया है ना अब जैसी एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ आपने दरवाजा खुला उन्होंने बोला हे 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 अपन ने आवाज करना चालू कर दी तो डॉग ने कहा सब आवाज कर रहे हैं मैं भी आवाज करूं okay? ओके ना, तो उसने भी उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा कि मुझे पैट करो नहीं उसको पैट करो ये सब अपने दिमाग की कहानियां okay इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया एक्साइटमेंट बढ़ा वो एक्साइटेड हो गया है ना ऐसे ऐसे हो गया लोग आए और अरे इसको दूर करो अरे इसको दूर करो वो भी ऐसे जंप मारने लग गया उनको देखकर क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे समझ में आ रहा है ना इसको दूर करो इसको दूर करो तो ये डॉग भी उनकी नकल करने के लिए क्या करने लग गया अपने पैर ऐसे करने लग गया तो <laughs> उनकी नकल कर रहा है तो <laughs> वो अपने पैर ऐसे ऐसे करने लग गया और फिर आपने और चिल्लाया जैसे आपने और चिल्लाया तो वो बार करने लग गया हाँ सो so, ये पूरी की पूरी इंसिडेंट ये पूरा का पूरा केओस मचाया इंसान ने है ना पूरा का पूरा केव मचाया इंसान ने अब डॉग के अंदर इतनी ऊर्जा है वो करे क्या वो शांत तो था ही नहीं पहले से उसको उसको रनिंग तो मिल नहीं रही है ना दिमाग दि, दिमाग में ऊर्जा भरी हुई है और आके लोग इस तरीके से एक्साइटमेंट में आके डर के हाथ पैर ऐसे हिला के उसको ट्रिगर करे जा रहे हैं उसमें वो क्या वो क्या समझेगा है ना वो तो वो तो इसी तरीके से बिहेव तो आप जब इसको वॉक देना स्टार्ट करोगे ना ये सब चीजें डाउन जाएगी अच्छा। और जब और जब गेस्ट आएंगे उनसे बोलना मेरा डॉग ट्रेनिंग में है प्लीज प्रैक्टिस नो टच नो टॉक नो आई कॉन्टेक्ट ओके okay. उस, उसके उसके बाद क्या करोगे जैसे कोई लोग आने वाले होंगे ये आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो आप अपने okay. दोस्तों से बोलोगे यार मुझे अपने डॉग को ट्रेन करना है तुम आओगे क्या घर पे जब तुम घर पे आ रहे होंगे मुझे एक बार बता देना मैं अपने डॉग को नीचे लेकर आ जाओगी ओके डॉग को नीचे लेकर जाओगे उन गेस्ट के साथ ही ऊपर आओगे ओके okay ना ऐसा नहीं कि कि डॉग यहाँ खड़ा और गेस्ट ऐसे आ रहे नहीं गेस्ट के साथ ही डॉग चलकर घर के अंदर आ आ रहा रहा है है तो तो डॉग डॉग शांत शांत होगा अब इससे क्या समझेगा अच्छा गेस्ट आ रहे हैं हो रहा है। तो आप तीन चार बार जब ये प्रैक्टिस करोगे उसके बाद से आप डॉग को घर में बैठा कर ये प्रैक्टिस करोगे लीश पहना कर ठीक है ओके okay, तो लेकिन सबसे पहले स्टेज क्या आती है आप अपने दोस्तों को बुलाइए और डॉग को नीचे लेकर जाइए और फिर ऊपर लाइए लेकिन ये सब चीजें वर्क तभी करेगा जब आप उसको रनिंग देना स्टार्ट करोगे इसलिए मैं बाकी की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने में इतना वो नहीं हो है ना कैसे चीजें करनी क्योंकि आपका बेसिक अभी हिला हुआ है है, है ना तो बाकी चीजें वर्क ऐसे नहीं कर पाएगी है ना हमें सबसे पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा उसके साथ ठीक है और अब जैसे ये चीज कम्प्लीटली मुंह में डाल लेता है मुंह से निकाल सकती हूँ

ओके okay, ये पपीहुड के बिहेवियर है जो जो चीजें आप बता रहे हो पपीहुड का बिहेवियर इसलिए है क्योंकि ये एडल्ट डॉग मोहाली में रह जाता है अब हमें इसको सिखाना पड़ेगा अदरवाइज बड़े डॉग सिखाते हैं सो है so, अब हमें इसको सिखाना पड़ेगा हम इसको कैसे सिखाएंगे जैसे सपोज इसने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया Hmm. पहले तो रनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये उसके बाद की स्ट्रेटेजी है ओके okay? हम वापस से बात कर सकते हैं समझने के लिए बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सपोज करो इसने कोई चीज ले ली अपने मुंह में ले ली है ना अब आप इसके इसका नाम नहीं लोगे इसके पीछे भाग इसके पीछे भागोगे नहीं ओके okay? hmm. आप क्या करोगे कोशिश करोगे आप इसके सामने आ जाओ धीरे से है hmm. ना इसके सामने आ जाओ इसके पास चले जाओ जब आप इसके पास चले गए धीरे से दिमाग में कुछ नहीं है कि मेरे को इसका ऑब्जेक्ट लेना आप हल्के से इसके कॉलर को ग्रैप करोगे ओके okay. कॉलर okay. को ग्रैब आप इसलिए कर रहे हो ताकि ये पीछे भाग नहीं सके हम्म है ना कॉलर को ग्रैब कर लिया उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है आप उसको पकड़ के रखोगे लाइक दिस एंड नो नो मूवमेंट ओके नो खींचाता जस्ट होल्ड करके रखना ये एडल्ट डॉग इस तरीके से बिहेव करता है ये सिखाना होता है इन, ना? तो आप होल्ड करके रखोगे और कॉलर से इसको पीछे नहीं जाने दोगे अदरवाइज वो टग ऑफ वॉर हो जाएगा है ना सो so, कॉलर को हम क्यों पकड़ रहे हैं ताकि हम इसको पीछे नहीं जाने दे ओके okay, तो ये पीछे नहीं जाएगा हमने इससे पकड़ा हुआ है विद इन फ्यू सेकेंड और ए मिनट उसका मुंह ऐसे हिलने लग जाएगा अच्छा ओके okay, ये ये अब वो सीख रहा है है ना इनको सिखाना पड़ता है इनका जॉब इस तरह इनके जॉब बंद हो जाते हैं अब हिलते वो बाहर खुलते नहीं है इनको वो वो मसल्स की प्रैक्टिस करनी होती है ऐसे है ना इनको तो हाँ वो हमें प्रैक्टिस करानी होती है इनको वो एडल्ट डॉग्स कराते हैं है ना, तो so, जैसे अब इसने पकड़ा तो इसका धीरे-धीरे वाइब्रेट होना लगेगा, और फिर वो ऐसे ऐसे करके खुल जाएगा और जब खुल जाएगा आप शांति से ऐसे करो करोगे और वो ऑब्जेक्ट वहां से ले जाओगे जब ये मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आप जैसे उसकी तरफ जाओगे वो खुद ही निकाल देगा वो सीख चुका होगा उसकी जॉब लेकिन ये वर्क तभी करेगा जब रनिंग स्टार्ट होगी या समवन ओके कूलर इसका पहले मेरे को टेलीग्राम पे एक्सप्लेन करी थी बिल्कुल एग्जैक्ट और मैंने करी भी थी इसको कम से कम टू टू थ्री मिनट्स लग गया था शायद उसने उसके बाद जाके बहुत मुश्किल से छोड़ा था मैं आपने कहा था कि जैसे इसका आई कांटेक्ट करना है ये मैं देखता ही नहीं है हाइपर माइंड है हाइपर माइंड है बट आवर फोकस शुड बी वेरी Calm बिल्कुल है ना तो जैसे जितनी बार भी वो यहाँ से निकलेगा और आंखें टकराएगी अपनी उससे ओके okay, जितनी बार भी वो निकलेगा और अपनी आंखें टकराएगी वो शांत होता जाएगा ओके okay, वो शा, वो शांत होता जाएगा तो इसमें टाइम इसमें टाइम लगता है जैसे मेरे हमारे यहाँ सेशन में लोग आते हैं और उनकी डॉग से उनको छुड़ाने में दिक्कत आती है लेकिन जैसे ही मैं पकड़ता हूँ वो छोड़ देते अच्छा। ओके okay, है ना वो छोड़ देते हैं और वो छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि जितनी बार भी मैंने वो पकड़ी है मैंने कभी भी बिना छुड़ाए मैं हटा नहीं हुआ उसे लेकिन उसके जो ह्यूम है वो बिना छुड़ाए हट जाते थे गिव अप कर देते थे अच्छा। जि, जितनी बार भी आप गिव अप करोगे गिव अप करोगे नेक्स्ट टाइम आपको उतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ठीक है है ना सो में एक बार भी गिव अप नहीं करना होता तू पांच मिनट ले ले तो दस मिनट ले लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगली बार मुझे पंद्रह मिनट काम करना पड़ेगा है ना इसके साथ ये डॉग्स के साथ ऐसे वर्क करता है अच्छा ओके okay. और ये सुनता तभी है जब इसका मन होता है <laughs> माइंड बहुत हाइपर है अभी अभी आ, हम अभी सो अभी हम सोच नहीं सकते कि वो हमारी वो वो अपनी नहीं सुन पाएगा अभी तो उसका माइंड इतना हाइपर है अच्छा। नहीं सुन पाते हाँ नहीं सुन पाते आवाज आ, नहीं पहुंच पाती ठीक है सुबह रनिंग ये रनिंग वैसे साथ-साथ करता है ऐसे करेगा और जैसे जब वॉकिंग कराती हूँ मैं इसको ये इतना ज्यादा खींचता है मतलब इतना ज्यादा खींचता है मेरे को खुद को टेंशन हो जाती है कि इसको हो नहीं रहा होगा कि मेरी गर्दन की हड्डी दुख रही है मतलब पहले सिंपल लीच यूज करती थी उसका जैसे मैंने आपकी भी वीडियोस देखी वी यूट्यूब हाँ। पे भी सर्च किया तो हाँ। वो स्लिप लीच होती है अब मैं वो यूज कर रही हूँ पहले मार्टिंगल कॉलर था पर वो पता नहीं क्या बिल्कुल नीचे आ जाता है और उसका तो लूज भी है वो थोड़ा तो। स्लिप लिश यूज कर रहे हो तो आपको उसमें अपनी टाइमिंग का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि डॉग एक बार भी आगे जाएगा तो आपको वॉक वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी उस समय है ना ये पेशेंस का काम है तो सोचो होता क्या है कि हमने यहाँ स्लिप लिश एकदम टॉप पे लगती है है ना हम बीच में नहीं लगा सकते लेकिन जैसे डॉग खींचेगा तो कहाँ पहुंच जाएगी वो पीछे हो जाएगी है ना अब ह्यूमन रुकता नहीं है बस डॉग के पीछे चलता रहता है और डॉग और तेजी से आपको खींचता रहेगा तो अगर वो पीछे चली गई लीश पीछे चले गए आपको वहां पर वॉक रोकनी पड़ेगी लीश की पोजीशन वापस से ठीक करनी पड़ेगी फिर से स्टार्ट करना होगा ओके लेकिन अगर आप सुबह सुबह रनिंग स्टार्ट करोगे तो ये भी ट्यून डाउन हो जाएगा अच्छा और मतलब ये मैं से फिर भी कंट्रोल होता है ये इतना वीडियोस देखे है कि मेरे को हल्का हल्का पता लग गया आइडिया कि ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ तो बहुत रेयर होता है कि ये टंग करता है तो और पकड़ता है ये तो ना किस किसी भी लीश से काम ही नहीं आता क्योंकि उनको संभालना ही नहीं आता अगर मेरे साथ ठीक चलेगा किसी से मैं किसी और को सेम लीश पकड़ाऊंगी ये आ। इतना ज्यादा खींचेगा कि मैं लिटरली ड्रैग हो रही होती हूँ सो so, लीश में वो नहीं होता मतलब वो आपको ही खींचता है बाकियों को नहीं खींचता मुझे ज्यादा मुझे खींचता है पर ज्यादा नहीं रेयर ओके तो आपको आपके पास स्किल आप स्किल डेवलप कर रहे हो ना हाँ जी है ना वॉक कैसे जब आप ये स्किल डेवलप करते हो ना आपके पास एक बहुत हाई टाइप का डॉग है अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके ये स्किल डेवलप कर लोगे आप 99% डॉग्स को वॉक करा सकते हो एनी डॉग को अच्छा। है ना बिकॉज जो डॉग आपके पास है वो दुनिया में सिर्फ एक परसेंट होते हैं अच्छा ओके ना जिस लेवल का आपके पास डॉग है वो एक होते हैं ओके okay? अच्छा। तो बहुत आ, बहुत रेयर होते हैं ये लोग लेकिन हाई uh, एनर्जी होती है हाई हेल्थ हेल्थ होती है हाई प्लेफुल ड्राइव होता है एवरीथिंग हाई है इनके जीवन में नथिंग इज लो हैप्पीनेस हाई है बहुत ही भयंकर भागेंगे तो बहुत भागेंगे खेलेंगे तो बहुत खेलेंगे हल्ला करेंगे तो बहुत हल्ला करेंगे है ना सो हाई डॉग है आपके पास वन परसेंट डॉग वाला डॉग है सो या तो दैट्स लेकिन भाग भागना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा ट्यून डाउन होगा तो, तो चलो मैं करूंगी करूंगी और फिर जैसे अब मैं नहीं कर पा करवा पा रही इसको सैर तो मेरे को मेरे मेरे ब्रदर को करवाना पड़ता है कई बार सैर तो फिर इस टाइम क्या करें कि ये मतलब जैसे क्या होता है कि मेरे साथ भी तब खींचता है जब इसको जैसे मैं स्मेल करवाती हूँ इसको हुँ। तो वो स्मेल में लीज छोड़नी पड़ती है तो उस टाइम ये मेरे काबू में नहीं आता इसको मैं साइड में ध्यान रखती हूँ कि इसका एक तो कॉलर ऊपर ही है और इसको मैं साइड की तरफ खींच रही हूँ

अच्छा। बि, बिना कुछ बोले बिना कुछ वो है ना तो उसके माइंड को वापस से बैलेंस पे लेकर आना ये बंदे का माइंड एकदम आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है विदिन विदिन सेकेंड ये बैठे बैठे ही कुछ शहनशाह बन जाता है ना थोड़े थो, थोड़ी देर में एकदम शांत बच्चा प्यारा बच्चा देखा तो दूसरे मिनट में हम करते हुए पकड़ा गया <laughs> आ, तो इसके माइंड को हमें बार बार फोकस में लेकर स्ट्रक्चर पे लेकर आना पड़ेगा और वो कैसे कर सकते हैं जब भी ये गलती करे ठीक है इसके माइंड को पता नहीं अभी। okay? है अभी ओके तो जैसे आप डायरेक्ट करना नहीं आ रहा एक हमको है ओके ओके क्या काफी टाइम चल रही है okay, okay.

पहले आपके वीडियोस में सारा रहा हुआ और अवेयरनेस के, दे, के लिए होते है हाँ, हाँ, ना हाँ। हाँ, मतलब आप एक ओवरव्यू जरूर ले सकते हो उन सब चीजों से लेकिन आप कितना डिटेल में जा सकते हो डिपेंड करता है कि आप कितनी बारीकी से देख रहे हो फिर उस चीज को उसके बाद भी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं सो so, हाँ सो so ऐसे बात करना जरूरी है और इट्स लाइक इसलिए हमारा पैक प्लेटफॉर्म है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके एंड देन फिर मैं आपको बता सकूं सो so, जब भी आप डॉग को डिसिप्लिन कर रहे हो ना फॉलो थ्रू देना जरूरी है फॉलो थ्रू का मतलब होता है डॉग का माइंड जीरो स्टेट में चला गया बैलेंस स्टेट में चला गया तो वो फॉलो थ्रू होता है ओके okay ना अगर डॉग खींच रहा और आपने छोड़ दिया वो फॉलो थ्रू नहीं है कम्प्लीटली डॉग शांत होना चाहिए ओके okay? तब फॉलो थ्रू है

मैं इसके लीच बिल्कुल ऊपर रखती हूँ इसको मतलब जैसे आपने सिग्नल की बात करी इसको मैं थोड़ा बताती हूँ लीच से कि हाँ मेरे पास आना है तुमने ये सुनता ही नहीं है नहीं सुनेगा वो, नहीं सु, नहीं सुनेगा उस समय पर क्या होता है ना एक्साइटमेंट या हाँ बिल्कुल उधर ही होता है कि मैं कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती मैं तो नहीं डॉग्स एक टाइम पर एक ही जगह पर फोकस कर सकते हैं हाँ है ना ये एनिमल्स का वो है वो एक टाइम पर एक ही अगर वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है आप कुछ भी कर लो वो नहीं सुने दे नहीं सुने देगा उनको है ना तो ये फोकस इतना ज्यादा उसके ऊपर क्यों है ये उन, उसको देखकर बहुत ज्यादा पहले एक्साइटेड हुआ उसके बाद वो एंग्जियस हो गया ओके एक्साइटमेंट अगर कहीं पर रुक जाता है वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है अच्छा है ना अगर आप एक एक्साइटेड डॉग डॉग को कार के अंदर डालोगे तो वो एक, वो अंदर जाकर बहुत वाइन करेगा बार करेगा स्क्रैच करेगा क्योंकि एक्साइटमेंट अब चार दीवारी के बीच में आ गई फंस गई है ना लाइक वैसे ऐसे, ऐसे फंस गई अगर आपने लीच लगाया हुआ सामने वाले डॉग को देखकर एक्साइटेड हो गया तो वो फंस गया अब उसका माइंड ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, ना? ना अब वो वाइन करना स्टार्ट कर देगा वो ऐसे करके है ना ये वाइनिंग वो रो नहीं रहा ये वाइनिंग वो एक्साइटमेंट को रिलीज कर रहा है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि यार मैं एक्साइटेड हुआ था और अब मैं एंच हो गया मुझे सोल्यूशन बताओ मैं क्या करूं करूके उसको सॉल्यूशन बताना है आपको तो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका आप अगर जब वॉक स्टार्ट अपनी रनिंग स्टार्ट करोगे ये ट्यून डाउन तो हो गए ओके तो ये जब ट्यून डाउन होगा और किसी को देखकर अगर ये बहुत ऐसा हो रहा है तो आपको वहां से मूव होना पड़ेगा ओके okay. है ना वो अगर उस देख, उसे देखकर वो हो रहा है जब या तो वो हटे वहां से स्टूमिलेंट हटे या फिर आप उस स्टूमिलेंट के यहाँ से हटो ओके okay? दोनों दोनों चीज पे ये, ये करना होगा अदरवाइज आपको थोड़ी और स्किल बढ़ानी पड़ेगी अपनी इसकी लीश की लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा मूव हो जाओ थोड़ा तेज वॉक करने लग जाओ जैसे कोई डॉग आ रहा है डॉग को देखते देखने से पह, देखा आपने और आप उससे पहले तेज वॉक करने लग गए ताकि इसका फोकस उस पर हटकर आपके वॉक पर आ जाए ओके okay? अच्छा। ना फिर ये एक ही एक ही टाइम पर एक ही जगह फोकस कर सकते हैं या तो डॉग पे फोकस करेंगे या फिर तेज भागने पे फोकस करेंगे तो ये बार बार ऐसे देखेगा आप लीज से उसके आप उसकी गर्दन को मोड़ दोगे फिर फिर उधर देखेगा आप लीज से गर्दन को मोड़ दोगे और तेज चलोगे तेज चलोगे तो ये करना बंद करेगा अच्छा okay. वैसे वो रुकते तो नहीं है जब ये ऐसे करता है डॉग्स के ऊपर साथ चलते ही रहते हैं कि उसको उस पर ध्यान नहीं देना हम आगे जा रहे हैं तो हमारे साथ ही आएगा हम वैसे करते हैं तो मोस्टली ऐसी है जैसे कई बार आ, हम इसको मतलब आउटस्कर्ट्स में जैसे होते हैं ना मेन रोड के साइड पे जो सड़क सी होती है छोटी सी वहां पे भी बहुत लोग अपने डॉग्स घुमाते हैं तो स्पेस थोड़ी होती है हम्म राइट हम जैसे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर ये एकदम से उधर चल जाते इसकी लीश बिल्कुल छोटी होती है पर एकदम से जंप मारता है कि हुँ. वो लीश तो मेरे को डिस्टेंस ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इसको करेक्ट करूं और इसको बताऊं, तो मेरे को एकदम से कॉल है ये ऊपर ही होता है इसको उठा के मेरे को लेके जाना पड़ता है ओके 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 सो वो आप आप जैसे अभी एकदम रियल लाइफ रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर आप ये सब प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत तो आएगी है ना? ना तो हमें हमें क्या करना होता है ना अगेन हमें फ्रेंड्स की हेल्प लेनी होती है आप आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना इसमें तो इन सब चीजों पर भी आप वर्क कर पाओगे काफी इफेक्टिवली लेकिन अभी क्या है ना शुरुआत में हम इसकी एनर्जी पे वर्क नहीं कर रहे हैं और अभी अभी हम टेंथ नंबर की सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं ओके गेटिंग माई पॉइंट तो सबसे है कि आप सात से चौदह दिन तक आप सिर्फ इसकी रनिंग पर फोकस करो

तो स्ट्रीट डॉग्स का उस टाइम क्या करना चाहिए क्योंकि ये so टेनिस अभी, अभी आपके आपके तो के, के, के साथ आप भाग सकते हो ना लोगो को लॉन टेनिस के साथ भागना लेकिन लॉन टेनिस से क्या होगा ना कि जब वो एक तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो लॉन टेनिस के रैकेट से क्योंकि अगर डॉग आएंगे आपके पास तो आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो लाइक उनके सामने लेकर जा सकते हो वो है ना ताकि वो आपकी तरफ नहीं आए है ना इस, इस इस और स्टिक इस इसलिए मना करता हूँ क्योंकि स्टिक ऑफेंसिव है है ना एक ऑफेंसिव टूल है है ना डॉग उसको अटैक की तरह देखते हैं डॉग लॉन टेनिस को एक डिफेंस की तरह देखते हैं अगर आपने ऊपर नहीं उठाया हुआ तो है ना अगर अगर आपने नीचे रखा हुआ है जस्ट टू क्रिएट बाउंड्री वो एक डिफेंस टूल है तो डॉग आपको अटैक नहीं करते फिर आपको दूरी देते हैं लेकिन अगर आप ऊपर उठाओगे तो डॉग आपको अटैक करेंगे है अच्छा, ना तो हमें नीचे नीचे रखना होता है आप स्टिक से तो ऊपर नीचे रख नहीं सकते ना बाउंड्री कैसे क्रिएट होगी स्टिक से नीचे सो हमें लॉन टेनिस का रैकेट चाहिए होता है पुराना सेकंड हैंड थर्ड हैंड है ना तो वैसा वो चलता है फिर और सेम अप्लाई होगा अगर ग्रुप ऑफ डॉग्स भी आता है

कल इसने क्या कल भी हम इसको नई जगह पे लेके गए थे तो हम मेन रोड क्रॉस कर रहे थे हुँ. और इसने एक दम से खीच, एक दम से भागने लग गया एक दम से आगे को भागने लग गया आराम से चल रहा है एकदम से भाग गया सड़क के बीच मतलब हमें हमेशा ये ध्यान रखना है इस चीज का कि ये जीरो है और फिर एकदम वो है कभी भी हो सकता है ये है ना मेरे ख्याल से आपकी फैमिली भी ध्यान रखती होगी आपका कि अभी ये जीरो है कभी भी या सो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको समझेगा फैमिली पे क्या बीतती है? <laughs> yeah. तो है या तो वो रनिंग से ठीक है और जैसे इसका नेक ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खिंचता है बहुत ज्यादा लेटरली लेटर आवाज निकाल मेरे को पता लग जाता है लीस से भी कि नहीं। हाँ इसका कर रहा है थोड़ा, काफी ज्यादा तो दिक्कत तो होती, दिक, होती है उसकी है ना तो इसलिए इसलिए मार्टिकल कॉल मैं यूज करती हूँ अभी आप वापस से प्रैक्टिस करो लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है स्लिप लीच से फर्क पड़ता है गर्दन पे फर्क पड़ता है अगर आप लगातार उसको खींचने दे रहे हो तो अच्छा ओके okay, ना हाँ सो तो हमें जैसे वो आगे जाएगा हमें वॉक रोक देनी है फिर वापस से चालू करना है लीश ऊपर करके है ना तो वो शांत रहेगा लेकिन आप जस्ट भागना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले है ना सेवन फोर्टीन डेज के लिए आप लगातार डेज मान के चलिए आप लगातार भागिए है ना आप पैक में लगातार कांटेक्ट में रह सकती हैं बता सकती हैं कि लाइक कुछ बिहेवियर उसका मैंने हमने भागा भागने में ये दिक्कत आई व्हाट टू डू है ना आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग ओके ना तो लेकिन भागना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए अभी आप तो भागे रहे हो आपके डॉग के लिए। जी। तो तो और जैसे रस्ते में खाता भी तरह थे। <laughs> वो, वो, वो ना भागोगे तो उसका ध्यान नीचे नहीं जाएगा। अच्छा। है ना? पहला आती है। आती एकदम से पागल हो जाता है उसको पता है कि हाँ हम रोकेंगे इसको। मतलब हम उसको कुछ करते तो है नहीं ना मारते हैं इसको, ना पे बस मैं क्या करती हूँ कुछ नहीं करती

बस okay तो स्टे, भाई ये ट्रेनिंग नहीं होता बिहेवियर का मतलब होता है डेली बेसिस पे हजारों ऐसी चीजें होगी जहाँ पर मैं मुझे उसमें उसको सिखाऊंगी क्या सही है क्या गलत है वो भी डॉग की भाषा से है ना हाँ इज डॉग बिहेवियर है ना सो वो हमें लर्न करना पड़ता है जब हम डॉग को लाइफ में लेकर आते हैं बट या yeah, सब सीख रहे हो तो फिर अब जैसे आ, मैं इसको हम क्या एक लेक है यहाँ पे वहां पे हम छोड़ मतलब लॉन्ग लीश पे इसको छोड़ देते हैं मतलब छोड़ते भी मोस्टली वो भी अगर बुला रहे हैं इसको नीको कम तो फिर हमारी तरफ ही आते मोस्टली मोस्टली तो लॉन्ग लिस्ट में एकदम से पकड़ा जाता है तो yeah. अभी ऐसे हमारी बात सुनता नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ना चाहिए कि नहीं नहीं देखिए वो आपकी बात अगर आप एक जगह पर खड़े हुए हो बस आपने डॉग को छोड़ दिया yeah. है ना वो नहीं सुनेगा आपकी अच्छा डॉग जो फास्ट होते हैं उनको एडोर करते हैं yeah. जो उनसे फिजिकली फिट होते हैं उनको एडोर करते हैं और उनकी उनको लिसन करते हैं जो उनको खाना देते हैं प्यार देते हैं उनको नहीं, नहीं।, ना? So, yeah. नहीं करते मोर देन है ना वो आपकी सबसे पहले लिसन करेगा और पे किसी की नहीं सुनता <laughs> नहीं, <laughs> नहीं सुना को, कोई घर वाले इसके लिए कर नहीं रही है उसकी है ना सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इनका साहब घर पे उसका मतलब नहीं मैं आपकी सुनूंगा कौन मेरे ऊपर कितना वर्क कर रहा है मैं उसकी सुनता हूँ okay? कौन आ, कौन फिजिकली फिट है कौन एक्टिव है कौन मेरे साथ भाग रहा है मेरे साथ खेले खेल रहा है मेरी जरूरतों को पूरी कर रहा मैं उसकी सुनूंगा। है एकदम अच्छा बॉन्ड बनेगा आपका बहुत जबरदस्त मोर डीप बॉन्ड बनेगा ठीक है तो जैसे एक और लास्ट टाइम हो गया सॉरी तो जैसे मैं इसको रनिंग करवा रही हूँ है। है? मतलब मैंने आपको जैसे बताया मैं शॉर्ट लिस्ट पे भी जंप करता है तो उसके क्या करना चाहिए मतलब कई बार मैं क्या करती हूँ इसको वापिस मैं मोस्टली मोड़ ही देती हूँ वापिस मोड़ ये पर इतना जोर लगाता है कि इसको मैं मोड़ ही नहीं सकते सकती मतलब समझ रहे आप बहुत ज्यादा

कैसे करना है वो हाँ तो जैसे सपोज कर लो हमने हम देख रहे कि जुम, जुम कर रहा है हम, हम लीश को अपनी तरफ खींच सके उसके मुंह का नहीं, ओके नहीं, है ना तब हमें खींचना होता है होता क्या है कि हम लगातार खींचते रहते हैं तो वो हमें उल्टी डायरेक्शन में खींचता रहता है अच्छा है ना वो हमें उल्टी डायरेक्शन और वो टाइट होता रहता है फिर हमें एंगल नहीं मिलता उसको खींचने का है ना तो जैसे उसने उसने जंप किया हमने लीश को शांत होना चाहिए तो नहीं। 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 तो उसके साथ हम हम हाईियस नहीं हो जाए है ना सो हमारा माइंड शांत रहता है क्लियर रहता है तो हमको दिखता है कि कैसे उसकी गर्दन को मोड़ के हम अपने पास लेकर आना है हमको ठीक है ट्राई करना आ, ना यूज करनी है तो मैं खरीदू मतलब प्रोफेशनल गाइडेंस दोनों कर सकते हो है ना हॉल्टी भी आपको मदद करेगी इस केस में अच्छा ओके okay, क्योंकि आपको डॉग की नोस अपने ऊपर फोकस करानी है तो हॉल्टी से क्या होता है ना आप इजीली उसको फोकस करा सकते हो है ना एकदम एकदम बहुत आ, बहुत, आ, बहुत कम पावर लगाती है उसके अंदर एक इतनी ऐसी उंगली से आपको पकड़ना पड़ेगा ऐसे नहीं है ना एकदम ऐसी उंगली से पकड़ना होगा और जैसे ही वो आगे जाएगा आपको बस उंगली को ऊपर करना ताकि okay, तो वो बैठ जाएगा नीचे okay, ना देन फिर उसको आगे लेकर हॉल्टी मदद करेगी मदद करेगी हाँ जी एक बार मैंने इसके वैसे मुंह पे थोड़ा सा कोशिश करी थी मतलब इलास्टिक से थोड़ा ऐसे करने की क्योंकि ये।, आ, आ, तो, आ, ये क्या करता है मतलब छोटे होते है, इसके भी लगाना पड़ता हाथ ही जाता है आता ही नहीं है फिर तो वो आदत हो जाती है हाँ, वो आदत हो जाती है आप इसको घर पे भी लगा के रख सकते हो थोड़ी देर अच्छा हाँ, ठीक है सीधा बाहर लेकर जाने से आप घर पे भी थोड़ा देर लगा के रख सकते हो लगाया थोड़ी ट्रीट दी लगाया थोड़ी ट्रीट दी उसको थोड़ा कराया उससे है ना फिर ले, फिर बाहर बाहर ले ले क्योंकि बाहर लेकर जाओगे तो प्रेशर पड़ेगा है ना वो वो उसको आदत नहीं है उस ये। प्रेशर की है ना वो फिर प्रेशर पड़ेगा तो फिर हाथ मारेगा और वो बाहर करेगा तो अपन एंशियस हो जाएंगे कैसे करें भाई गाड़ियां आ रही है सब आ रहा तो घर पे पहले ट्राई करने का ठीक है ठीक है बाकी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी हाँ जी बिल्कुल ठीक है पे, पे एक्टिव रहिए और वहां पर क्वेश्चन पूछते रहिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए बस मजा आएगा ओके okay? ठीक ठीक है थीक है ओके या बाय बाय बाय